नमस्ते एवरीवन, माय सेल्फ रमेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एपीएम, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कंपाइलर जीट, ओके, CLS, CTS, CLR and all things about that. So today we will discuss how we can start, how we can start the ASP.NET, how we can start a project. Means that is the application of .NET. मतलब अपन एक .NET का कोई प्रोजेक्ट, अगर कोई छोटा सा प्रोग्राम बनाना है तो कैसे स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है कि .NET इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसमें कई सेक्शंस हैं, ठीक है ना। मैंने पहले भी डिस्कस किया था आपके कि ASP.NET है, VB.NET है, C# है, .NET है। फिलहाल अपन ये देखते हैं कि जस्ट स्टार्ट कैसे करते हैं प्रोजेक्ट को। आपको छोटा सा प्रोजेक्ट अगर आपको स्टार्ट करनी है, कुछ करनी है, तो हाउ वी कैन स्टार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट VB.NET या ASP.NET। पहले आपको स्टार्ट पे जाना है, स्टार्ट विजुअल स्टूडियो ASP.NET है, ओके, या VB.NET। ऑन द मेनू बार पे जाएंगे, चूज करेंगे फाइल, फाइल चूज करने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ठीक है ना। अगर वहाँ पे आपको विजुअल बेसिक चूज करना है तो विजुअल बेसिक चूज करें, ASP चूज करना है तो ASP चूज करें, एंड चूज कंसोल एप्लीकेशन। वहाँ पर जाने के बाद आपको कंसोल एप्लीकेशन चूज करना है। स्पेसिफाई ए नेम एंड लोकेशन ऑफ फॉर योर प्रोजेक्ट यूजिंग द ब्राउज बटन एंड गेम। आपको क्या करना है, जहाँ पे फाइल यू हैव टू सेव योर फाइल, आपको जहाँ पे फाइल सेव करना है तो उसको लोकेशन डाल के ब्राउज पे जा करके, ब्राउज पे जा करके लोकेशन डाल के आप उस फाइल को सेव करेंगे। द न्यू प्रोजेक्ट अपीयर्स इन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, और जो न्यू फाइल है आपको वो एक्सप्लोरर में व्यू होगा। यहाँ पे देखते हैं स्टेप, फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स ASP.NET। एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे कि ASP.NET की बात करें तो पहले क्या है, द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। आपको न्यू प्रोजेक्ट में जाना है विजुअल स्टूडियो। आफ्टर लॉन्चिंग विजुअल स्टूडियो यू नीड टू चूज द न्यू ऑप्शन न्यू प्रोजेक्ट। न्यू पे जाकर जैसे यहाँ पे देख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे आपको अपीयर हो रहा है, ठीक है ना, कि यहाँ पे फाइल का जो उसका फ्रेम है वो आपको दिख रहा है। न्यू पे जाने के बाद प्रोजेक्ट पे जाएंगे, प्रोजेक्ट पे जाने के बाद आफ्टर दैट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज टू चूज द प्रोजेक्ट, ठीक है ना। कौन सा है ब्राउज एप्लीकेशन से ASP.NET जाना है, VB.NET जाना है, वो आप अपने प्रोजेक्ट चूज कर लें। तो हमने यहाँ पे ASP.NET चूज किया है। द नेक्स्ट स्टेप टू चूज द प्रोजेक्ट टाइप एज ASP.NET वेब एप्लीकेशन। हियर वी ऑल्सो नीड टू मेंशन द नेम एंड लोकेशन ऑफ आवर प्रोजेक्ट। यू हैव टू मेंशन द नेम, बल्कि अगर आपने ASP.NET चूज किया है तो उस न्यू प्रोजेक्ट का फाइल का नाम क्या है और उसका लोकेशन भी देना पड़ेगा ताकि आप उसको सेव कर सकें। इन द प्रोजेक्ट डायलॉग बॉक्स यू कैन सी वेरियस ऑप्शन फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट। क्लिक द वेब ऑप्शन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, ओके। व्हेन वी क्लिक ऑन द वेब एप्लीकेशन वेब ऑप्शन इन द प्रीवियस स्टेप यू विल बी एबल टू सी ऑन ऑप्शन ASP.NET वेब एप्लीकेशन। क्लिक ऑन दिस बटन, देन थर्ड वी देन गिव्स ए नेम फॉर द एप्लीकेशन विच इन आवर केस डेमो एप्लीकेशन। वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड लोकेशन टू स्टोर आवर एप्लीकेशन। सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, न्यू पे जाना है, प्रोजेक्ट पे जाना है और आपको ब्राउज करके एक नया लोकेशन पे जाकर उसको सेव कर देना है। फाइनली क्लिक द ओके बटन, लेट विजुअल स्टूडियो क्रिएट अ प्रोजेक्ट। आप फाइनली ओके पे क्लिक करें तो आपका एक विजुअल स्टूडियो का एक फाइल या एक उसको फाइल प्रोजेक्ट ही नथिंग बट फाइल है आपका, वो प्रोजेक्ट ओपन हो गया, सेव हो गया। थर्ड स्टेप, इन नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू चूज द टाइप ऑफ ASP.NET और ऑब्जेक्ट VB.NET वेब एप्लीकेशन दैट नीड्स टू बी क्रिएटेड। इन आवर केस वी आर गोइंग टू क्रिएट ए सिंपल वेब फॉर्म एप्लीकेशन। फर्स्ट चूज ए प्रोजेक्ट टाइप ASP
ठीक है ना, वो आपका जो आप पहले जो फाइल ओपन कर रहे हैं मूल की जगह पूरे जो ओपन क्लिक कर रहे हैं, इन द स्टार्टिंग द फाइल इज एम्प्टी, दिस विल इंश्योर दैट वी स्टार्ट विथ बेसिक एप्लीकेशन विच इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। सेकेंड स्टेप वी चूज द ऑप्शन वेव फॉर्म्स, दिस एज द बेसिक फोल्डर्स, वेव फॉर्म्स क्या करेंगे आपको बेसिक फोल्डर उसमें ऐड हो जाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पे ये आपको डायरेक्ट वो कितना है एम्प्टी है, वेव फॉर्म्स है, बेसिक्स है, ठीक है ना। तो आपको दिस वेव फॉर्म दिस एज द बेसिक फोल्डर दिस आर रिक्वायर्ड टू बेसिक वेव फॉर्म एप्लीकेशन। फाइनली थर्ड है, फाइनली वी क्लिक द ओके बटन टू अलाउ विजुअल स्टूडियो टू क्रिएट एप्लीकेशन। तो दिस इज द व्यू, ओके। तो फोर्थ स्टेप इज नाउ इट इज टाइम टू एड वेव फॉर्म टू फाइल टू फाइल टू द प्रोजेक्ट, दिस इज द फाइल विच विल कंटेन ऑल द वेव एस्पेक्टिव कोड फॉर द प्रोजेक्ट, ओके। तो दिस इज द कोड, ठीक है ना। यहाँ पे क्या देख रहे हैं अपन, फॉर्म्स है, यहाँ पे कंसोल डॉट राइट है, कंसोल डॉट राइट जस्ट यू वॉन्ट टू प्रिंट योर फाइल, ठीक है ना। तो दिस स्टेप इन्वॉल्व्स को डू वो प्रैक्टिस, आप जब या आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, जब आप इस फाइल को या डॉट नेट को इंस्टॉल करेंगे और इस फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे या इस स्टेप को आप अपने कुछ प्रैक्टिस करेंगे, यू विल लर्न मोर, तो और यू विल बी इन यूजेबल, आप मतलब एक तरह से यूज टू हो जाएंगे आप, देखा जाए तो कि आप खुद से करेंगे तो क्या फाइल कैसे खुलती है, फिर नया कोई फाइल या कोई नया प्रोजेक्ट बनानी है या कोई सिंपल से कोई प्रिंट करवानी है, स्टार्टिंग तो आपको यही करना है कोई फाइल ही प्रिंट करनी है, कोई स्टेटमेंट ही प्रिंट करवानी है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफ़ी आपकी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आई होप लाइक माई वीडियो, ओके, थैंक यू एवरीवन, लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, कॉमेंट माई वीडियो, सजेस्ट माई वीडियो, सब्सक्राइब माई वीडियो मोर एंड मोर, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, बाय बाय।